व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज हरियाली और लालिमा दोनों ही देखने को मिल रही है। कुछ मेजर अल्टकॉइन्स है जैसे ईथर, सोल, बीएनबी, इनमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी काफी ऐसे अल्टकॉइन्स है जैसे डोट, एडीए, एक्सआरपी, वेट, आईसीबी, इनमें अप टू 7% तक की हमें एक ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली रही है। कल की वीडियो पर दोस्तों आप में से काफी लोगों ने दबा के कमेंट करे थे कि भैया आईसीबी के बारे में बताइए, आईसीबी के बारे में कोई अपडेट हो तो प्लीज उसके बारे में बताइए। एक कमेंट तो ये भी आया था कि भैया आईसीबी के बारे में आप कोई अपडेट देते ही नहीं हो। अरे भैया, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, अगर आप रोजाना वीडियोस को देखते हो तो आपको पता होगा कि परसों के दिन ही हमने आईसीबी को अच्छे से कवर किया था, ठीक है। वेट को लेकर भी काफी कमेंट्स आए थे और कुछ तो शिवा के ऊपर भी कमेंट्स आए थे, तो इन तीनों अल्टकॉइन्स को हम इस वीडियो में ढंग से कवर करने वाले, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ, एक मेरी छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई नो आप मुझसे काफी प्यार करती हो, बट ऐसे कमेंट्स में जब देखता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। मतलब कसमें दी जाती है आपको, उसकी कसम है, आपको इसकी कसम है, प्लीज हमारे इस अल्टकॉइन के बारे में बता दीजिए, ठीक है। तो ऐसा मत करा करो, अगर कमेंट को हाईलाइट ही करना है तो इमोजी वगैरह ऐड कर दिया करो, ठीक है। कसमें वसमें थोड़ा सा क्या, ठीक है, समझते हो आप भी। जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक चीज और, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बोलना ही पड़ जाता है कि भैया अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको क्रिप्टो के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज अपडेट चाहिए, अर्जेंट अपडेट चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीधे चलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस की तरफ, ठीक है। ये सेम जो हमारा पैटर्न था, बिटकॉइन अभी भी उसी के अंदर चल रहा है, कुछ ऐसा खास परिवर्तन आया नहीं, लेकिन जो मिनी फॉलोइंग ये चैनल था उसका हमें फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके आपको बताऊं, देखो डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी पिक्चर है ना क्लियर हो जाती है। यहाँ पर अभी भी हमें 200 MA का सपोर्ट मिला हुआ है, ठीक है, और जो कि एक अच्छा हमारे लिए साइन है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर ही जो 20 MA, ये चीज मैंने आपको बताई है ना कि 20 MA अगर आप छोटी टाइम फ्रेम पर या फिर शॉर्टली अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 20 MA को जरूर से सेलेक्ट करना चाहिए। तो 20 MA इसको रेजिस्टेंस दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, लेकिन अगर हम फोर आवरली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें जो है 20 MA का एक सपोर्ट मिल रहा है फोर आवरली चार्ट पर। और ये जो अपर ट्रेंड लाइन थी इस बड़े फॉलोइंग चैनल की, अभी भी हम इसके ऊपर ही है। और आपको पता ही है कि जब ब्रेकआउट होता है तो एक कंफर्मेशन भी हमें मिलता है, वापस से एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेना, ज्यादा इतना उछलने की जरूरत नहीं है हमें कि भैया ब्रेकआउट हो चुका है, नहीं, थोड़ा सा हमें एक बार वेट करना है, एक दो तीन कैंडल और बनने दीजिए, थोड़ा सा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ना लॉन्ग लेने से पहले अपना अच्छे से टीए कर लेना, बिकॉज मार्केट काफी ज्यादा इस समय वोलेटाइल है। अल्ट कॉइन में दोस्तों हम सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डॉज कॉइन के बारे में। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था उस समय ही मुझे एक अर्जेंट अपडेट डॉज के रिगार्डिंग देखने को मिली कि ट्विटर पर एक कन्वर्सेशन हो रही थी, बेसिकली उसमें जैक डॉर से इलॉन मस्क और शिबेतोशी नाकामोटो जो कि हमारे डॉज कॉइन के को फाउंडर है वो मौजूद थे उस कन्वर्सेशन में। बेसिकली इस कन्वर्सेशन में बात हो रही थी डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर, सेंट्रलाइजेशन को लेकर, वेब थ्री डेवलपमेंट को लेकर, और जो जैक डॉर्स है उन पर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, या फिर कुछ लोग उनके बारे में बोल रहे थे कि ये एंटी ईथर वाले हैं या फिर ईथर को थोड़ा सपोर्ट नहीं करते, बीटीसी और ईथर को रिप्लेस वगैरह करना चाहते हैं। तो इस पर जैक डॉर्स ने एक ट्वीट किया था कि आई केयर ओनली अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योर प्राइवेट फाउंडेशंस विदाउट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एंड आई एम फोकस्ड ऑन दैट। बेसिकली जो जैक डॉर से उन्होंने पहले ही कहा था और वो कर भी दिया। आपको याद हो हम जून में डिस्कस कर रहे थे कि जैक डॉर से ने एक स्टेटमेंट दिया था जब मयामी में एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस हुआ था, हमको याद है अच्छी तरीके से। और अगर आप काफी लंबे समय से क्रिप्टो में सीरियसली हो तो आपको पता होगा कि जैक डॉर से ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको वो कर भी दिखा दिए हैं कि बिटकॉइन या फिर ब्लॉकचेन के लिए वो ट्विटर को भी छोड़ सकते हैं, जो कि उन्होंने किया, आप सभी को बताया, ठीक है, वो न्यूज अपडेट हम सभी ने डिस्कस कर ली थी। तो यहां पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि आई केयर ओनली अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योर एंड प्राइवेट फाउंडेशन विदाउट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। यहां पर अगर हम नीचे चले तो इनके ऊपर कुछ एंटी ईथर के एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, तब इन्होंने वापस से कहा कि आई एम नॉट एंटी ईथर, आई एम एंटी सेंट्रलाइज। ये बेसिकली सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ है। और किस तरीके से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से वीसीज है, आप सभी को बताया कि सोलाना में किस तरीके से जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उनका प्रभुत्व है, तो इसी को लेकर वो अभी बता रहे हैं कि भैया मैं देखो ईथर के खिलाफ नहीं हूं और ना ही कोई एस्टेब्लिश सिस्टम के खिलाफ हूं, मैं सिर्फ खिलाफ हूं कि सेंट्रलाइजेशन के, और किस तरीके से जो कॉर्पोरेट से या जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो इस समय क्रिप्टो को एक तरीके से सेंट्रलाइज करते जा रहे हैं। डोंट बिलीव और ट्रस्ट मी, जस्ट लुक एट दी फंडामेंटल्स। तो बेसिकली इन्होंने यही कहा था कि देखो
ये जो तीन फंडामेंटल्स है कि डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और एक तरीके की प्राइवेसी, यही ब्लॉकचेन का फंडामेंटल है, यही बिटकॉइन का फंडामेंटल है और इसी के ऊपर मैं फोकस करता हूँ, इसी के ऊपर केयर करता हूँ। तब हमारे शिवितोषी नाकामोटो भी आए, इन्होंने बेसिकली ये सारा स्टेटमेंट दिया। इसमें बेसिकली इनका मतलब था कि डॉजकॉइन को क्रिएट करने का मतलब था कि भैया सिर्फ एक फंड में और इसका जो है मनी ट्रांजेक्शन के अंदर काफी अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है, जबकि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन के थ्रू जो नए रिच पीपल्स है वो और भी ज्यादा रिच होते जाते हैं। बिटकॉइन जस्ट गिव्स पावर टू न्यू रिचर पीपल। इसी के ऊपर फिर हमारे मिस्टर मस्क आया कि भैया दैट्स व्हाई आई एम प्रो डॉज। इसी के ऊपर उन्होंने कहा, मतलब शिवितोषी नाकामोटो जैक डोर्सी को उन्होंने रिप्लाई देते हुए कहा कि दैट्स व्हाई आई एम प्रो डॉज। इन्होंने कहा कि भैया देखो अभी भी ये कीप सपोर्ट करते जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब टाइम्स में उनका इंटरव्यू था, ठीक है, मैंने आपके साथ वो वीडियो शायद शेयर नहीं किया था, जब टाइम्स उनका इंटरव्यू ले रहा था, टाइम्स के जो रिपोर्टर्स थे, तब उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन के अंदर सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और स्पीड का पंगा है उसमें, इसके अलावा कॉस्ट का पंगा है, ये सारे उन्होंने बातें कही। इसका एक जो निवारण हो सकता है वो डॉजकॉइन हो सकता है, बिकॉज ये पीपल्स करेंसी है और फन के लिए क्रिएट की गई थी। इसके अलावा डॉजकॉइन जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू देता है, जबकि जो डॉजकॉइन है, डॉजकॉइन आपको खर्च करने के लिए उत्साहित करता है, ठीक है। आप एक बार जाके खुद टाइम्स का जो इंटरव्यू है जाके देखना, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो इंटरव्यू था उसमें इलोन मस्क ने यही बातें की थी। तो इसी के ऊपर ये बेसिकली पूरा रिप्लाई और ट्वीट का एक सेशन चला ट्विटर पर। टेक्निकली देखिए तो डोज में थोड़ा बहुत हमें एक मूवमेंट देखने को मिला आफ्टर द रिप्लाई। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां से लगभग 6% का इसमें एक हमें मूवमेंट देखने को मिला था। और कल की वीडियो में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि जो न्यूज अपडेट क्रेश वगैरह की आई थी वो एक्चुअल में क्या है और इसके अकॉर्डिंग डॉजकॉइन का, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग डॉजकॉइन का क्या हो सकता है। ब्रेकआउट हुआ तो यहां से अगर हम इसको निकाले, और बहुत सारे इवेंट आने बाकी है दोस्तों अभी डॉजकॉइन के, डॉज वन मिशन हो या फिर टेस्ला एक्सेप्टिंग डॉज हो, एम्स, मुझे जहां तक लगता है एक अपवर्ड मूव हमें इसमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप इसको बेचना चाहते हो तो देखो आपकी इच्छा है, अगर आप बेचना चाहते हो, ठीक है। अब चलते हैं भैया सीधा आईसीबी की तरफ। देखो परसों का वीडियो आपको याद हो, परसों के वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा कि भैया जो मेन सपोर्ट था 28 का वो तो टूट चुका है, अब दो हमारे पास सपोर्ट लेवल है और बॉटम इसलिए फाइंड करना डिफिकल्ट है बिकॉज इसके नीचे के कोई बॉटम नहीं है, ठीक है, कोई हिस्ट्री में नहीं है, बिकॉज ये लास्ट इतना ही डाउन गया था लगभग 24, इसके नीचे का कोई सपोर्ट नहीं था। तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग 18 USDT के तकरीबन इसका एक मेजर सपोर्ट बनने वाला था, और चूंकि ये फॉलिंग वेज चैनल के अंदर चल रहा है, मैंने आपको ये बात कही है ना कि भैया अभी जितने भी मेजर अल्टकॉइन्स है, ये ओवरऑल मार्केट में जितने भी कॉइन्स है, अभी देखो डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें फॉलिंग वेज के दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो आईसीबी में भी सेम हमें यही चीज देखने को मिली कि आईसीबी में लगभग 1, 2, 3, 4, 5वें अटेम्प्ट में हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला। तो यहाँ पर लगभग इसका 26 का टारगेट होना चाहिए, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि अभी जो इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है वो है 24 USDT का, बिकॉज ये पहले इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था और आपको पता ही है कि क्रिप्टो में जो सपोर्ट होते हैं वही रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो अभी इसका ब्रेकआउट होने दीजिए इसका भी मतलब, तो एक काफी अच्छा अपवर्ड मूव हमें इसमें देखने को मिल सकता है और काफी अच्छा खासा अपवर्ड मूव आएगा। और न्यूज अपडेट की बात करें तो देखो काफी लंबे समय के बाद में फाइनली एक हमें न्यूज अपडेट मिली है। लास्ट न्यूज अपडेट बिटकॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली देखी थी हमने, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेरा बेटिया या फिर टेरा बेटिया क्रॉस चेन प्रोटोकॉल ब्रिज इंटरनेट कंप्यूटर एंड इथेरियम, बेसिकली ये जो कंपनी है जिसका नाम है साइकेडेलिक, ठीक है, आई थिंक मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में साइकेडेलिक जो ये कंपनी है जो कि वेब थ्री डेवलपमेंट पर काम कर रही है, वो अभी इंटरनेट कंप्यूटर के साथ या फिर आईसीबी के साथ एक पार्टनरशिप करी है। इसमें बेसिकली होगा क्या, इस ब्रिज के बनने के बाद में, टेरा बेटिया जो है एक ब्रिज होगा, इस ब्रिज के बनने के बाद में जो यूजर्स होंगे वो इथेरियम के जो नेटिव एसेट्स होंगे, ठीक है, नेटिव एसेट्स में कौन कौन आते हैं, इथेरियम तो ब्लॉकचेन है, इसका नेटिव एसेट है ईथर, ईथर के अलावा जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर बने हुए जो नेटिव टोकन्स है वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो इथेरियम के जो नेटिव एसेट्स हैं, अगर यूजर्स उनका ट्रांजेक्शन करते हैं तो देखो पहली चीज तो ट्रांजेक्शन जो होगा वो फास्टली होगा, स्पीड में काफी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा कम आएगी, लो कॉस्ट आएगी, एंड स्टोर देम डायरेक्टली ऑन चेन, यानी कि ब्लॉकचेन पर आप उसको डायरेक्टली स्टोर कर पाओगे। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है और यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिली है, इंटरनेट कंप्यूटर इज प्रीटी फास्ट फॉर एन एग्जांपल विल सोलाना इज क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड, यानी कि इसका छोटा सा एक कंपेरिजन किया गया है कि भैया देखो इतना ये हो सकता है और ये चीज हो रही है ना, तो ये अब आ गया है लेयर टू सोल्यूशन के अंदर, ठीक है,
मैटिक क्या करता है, मैटिक भी तो लेयर टू सोल्यूशन में ही काम आता है, इथर के सोलाना भी तो यही चीज काम कर रहा है। तो वहां पे अब नंबर आ चुका है आईसीबी का। आईसीबी देखो इनका रोड मैप मैंने कई बार बताया कि आईसीबी बेसिकली लॉन्ग टर्म का हो रहा है, अभी 1-2 साल का मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा कुछ खास हमें पंप वंप दिखाएगा, लेकिन हाँ रोड मैप लगभग 20 साल का है। ये चीज मैंने आपको जब फंडामेंटली केस स्टडी दी थी आईसीबी की तब उसके अंदर समझा दी थी। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, अगर आप होल्ड करके रखे हो तो ये सोचिए कि भैया किसी अच्छे प्रोजेक्ट में मैंने पैसा लगाया है जो कि अभी थोड़ा सा डाउन ही चल रहा है, ठीक है। और अगर आप प्रॉफिट में हो तो बेसिकली आपको देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट में हो, 100-150% तक का प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करो, बिकॉज ये साइकिल चलता रहता है अप डाउन का, आपको पता नहीं लगेगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। एक ये भी न्यूज अपडेट है कि डेफिनेटिव फाउंडेशन, आईसीबी डेफिनेटिव फाउंडेशन के अंदर आता है। डेफिनेटिव फाउंडेशन लॉन्चेस 215 मिलियन ग्रांट टू बूस्ट डेवलपर इकोसिस्टम। तो जैसे रकपूल के एलिगेशन लगाए गए थे, काफी लोग, मैं सुन रहा था कि काफी कमेंट्स ऐसे भी आए थे कि भैया फाउंडर्स ने बेच दिए, ऐसा नहीं है। पूरा कंप्लीटली मैंने एनालिसिस करके बताया था, पूरी कंप्लीट केस स्टडी मैंने इसके ऊपर दी है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अगर रकपूल के एलिगेशन, रकपूल मतलब खा के भाग गए पैसे, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर्स थे, ऐसा नहीं है, जो सीईओ थे वो खुद आए थे और बताए थे कि भैया जो रकपूल के एलिगेशन है वो बिल्कुल गलत है, हम पे गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट पे हम काम कर रहे हैं। इसी के साथ जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे उन्होंने आईसीओ के टाइम पे, जो एयर ड्रॉप्स के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इनिशियल फेज में इसमें इन्वेस्ट किया था, उन्होंने दबा के सेल किए थे। और क्यों ना करें, अगर आपको भी भैया 2-3-5-10 हज़ार% का प्रॉफिट मिल रहा है तो आप भी तो कॉइन्स को सेल ही करोगे। तो सेम फंडा इन्हीं के साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ही फालतू का कॉइन है, ऐसा मुझे कहते हुए भी थोड़ी सी अच्छा नहीं लग रहा कि ये फालतू का प्रोजेक्ट है। वेब थ्री का है और काफी ढंग का प्रोजेक्ट है, बस ये है कमी कि अभी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस पे आता जा रहा है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेट की तरफ, वेट को लेकर भी काफी लोगों के कमेंट्स आए थे। देखो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था कि भैया वेट जो है वो भी एक फॉलिंग वेज चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तो इसका भी हमें ब्रेकआउट जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट आया भी, और ब्रेकआउट से अगर हम देखें तो लगभग लगभग इसने हमें 11% का एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है, जिन्होंने ब्रेकआउट पॉइंट से कुछ ट्रेड वगैरह लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि मैटिक में भी मैंने आपको बताई थी। देखो यहाँ पर मुझे एक डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रेड कहाँ पे लेना है, एक बार ये कंफर्मेशन तो हमें मिल चुकी है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा और इसको कंफर्म हो जाने दीजिए 1-2 कैंडल्स का, तब हम एक छोटा सा स्कैल्प या ट्रेड इसमें ले सकते हैं वी चेन के ऊपर, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो है इसका ये है 0.095 का रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसका भी आप ध्यान रखना, और सपोर्ट तो हमारे पास ये है। एक बार आप है ना स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको चार्ट वगैरह खुद का बनाना है, ठीक है, तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले लेना। और ये जो चार्ट है मैं अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वेट देखो काफी अच्छा है, सप्लाई चेन के अंदर तो भैया दबदबा है वेट का, तो अच्छा कोई ना डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिबा इनू के बारे में, शिप के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा एक सपोर्ट था, ठीक है, ये जीरो हटा देना, 3050 के, ठीक है, 30-50 का एक हमारे पास काफी यूएसडीडी की ये प्राइस है, तो काफी एक अच्छा खासा सपोर्ट हमारे लिए बना हुआ था। जब मैंने लास्ट इसका एनालिसिस करा था तब आपको बताया था अगर ये गिरा तो अराउंड हमें प्राइस जो है 2670 या 2645 के अराउंड देख सकते हैं, मतलब 26 और 27 वाली एक सीरीज के सपोर्ट पर हमें इसकी प्राइस देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जो सपोर्ट है काफी अच्छा इसको संभाला है, और यहाँ से आप देख सकते हो एक हमें फास्टली रिकवरी भी, जब बिटकॉइन में एक रिकवरी आई तो इसमें भी अप टू 25% तक की हमें रिकवरी देखने को मिली है। अभी बात करें तो भैया देखो 200 MA इसके लिए एक बाधा बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, तो 200 MA का एक बार जैसे इसको सपोर्ट मिल जाएगा तब हमें इसमें भी एक काफी अच्छी ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा मूव आएगा। और कोई खास न्यूज अपडेट तो ऐसी मुझे मिली नहीं, बस ये थोड़े से है ना ईथर वेल के ऊपर न्यूज अपडेट थी वही, और ट्विटर हैंडल पे मैं जाऊंगा नहीं, बिकॉज वहां तो हर 1 घंटे में कोई ना कोई अपडेट आती रहती है कि इसने कर लिया उसने कर लिया, तो उस पर इतना कुछ खास हमें फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक्निकली बात करें तो भैया देखो टेक्निकली अभी ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन मार्केट ओवर मार्केट डिपेंड करेगा कि शिबा भी किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो होल्ड अगर आपने किया हुआ है तो एक अच्छा डिसीजन है, लॉस में सेल करने से तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए और प्रॉफिट जैसे ही मिले तो थोड़ा सा फिर आप अपना प्रॉफिट भी बुक कर ले, थोड़ा क्या जितना आपको लगता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।